गांधीनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला शातिर ठग गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठग को पुलिस ने मकराना रोड स्थित एटीएम से बाहर वारदात को अंजाम देने से पूर्व ही दर्द पहुँचा। गांधीनगर बांदा सिंदरी निवासी सोनू सिंह पुत्र प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट देकर बताया था कि बीते 5 जून को वह सुबह रामनेर चुंगी पर एटीएम से रुपए निकालने गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण एटीएम से रुपए नहीं निकल सके। इस दौरान वहां एक व्यक्ति खड़ा था जो उसे देख रहा था। उसने मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदल दिया। बाद में उसे पता चला कि उसके एटीएम खाते में से 15,000 रुपए की राशि एटीएम से निकाली गई है। उसने कई दिनों तक ठग को तलाशा, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर 21 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरपीएस डॉक्टर प्रियंका के नेतृत्व में विशेष टीम ने निगरानी रखना शुरू कर दिया। गुरुवार को मकराना रोड स्थित एटीएम से बाहर एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। युवक से पुलिस ने पूछताछ की तो एटीएम से ठगी करने की वारदात को स्वीकार किया। गिरफ्तार युवक का नाम राजू राम पुत्र रामचंद्र है। वह नागौर का रहने वाला है। हमारे पास एक सोनू नाम के व्यक्ति ने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने उसकी मदद करने के बहाने एटीएम से उसके एटीएम से कार्ड बदल के पैसे निकाल लिए 15,000 रुपये। इसके बाद एसपी सर और डिप्टी सर मोटराम जी और राजेंद्र सर एज एन एसपी सर और डिप्टी सर मोटराम बेनीवाल सर ने एक दिशा निर्देश दिया हमारे पूरे गांधीनगर थाने को, जिसके अंदर एक टीम बनाई गई। उस टीम के अंदर मैं, मेरे साथ यहाँ पर हेड कांस्टेबल फतेह सिंह, रामकमल, ओम प्रकाश, रतनलाल, हम लोगों की टीम को सादे वस्त्रों में इन जगहों की रेकी करने के लिए कहा गया और जो व्यक्ति संदिग्ध लगे उसको लेने के लिए कहा गया। हम लोग कर रहे थे काम, अलग अलग पारियों के अंदर ये काम किया जा रहा था, तो आज हमें एक सफलता मिली, एक संदिग्ध मिला और फिर सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें देखने के बाद पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो एटीएम के अंदर इस तरह के मामले करने में इन्वॉल्व रहता है। मैम, किस तरह से ये शातिराना अंदाज से वारदात को अंजाम देते थे और कितने पैसों की ठगी करता था एटीएम? जनरली इसका जो मोटा सप्रेंडी रहता था कि जिन लोगों को मोबाइल ये एटीएम ऑपरेट करना नहीं आता, ये उनकी मदद करने के बहाने उनसे कार्ड बदल लेता था और कभी जो वहाँ पर से फिर कार्ड बदल के उनको दूसरा कार्ड दे देता था और खुद उनका कार्ड ले जाके पिन देख लेता था उस वक्त और फिर दूसरी जगह जाके ये वहाँ पर से पैसे निकाल लेता। अब तक ये जो मामला है इसमें 15,000 है, तो उम्मीद यही है कि आगे भी इसी के करीब अमाउंट के ऊपर डील करते हैं। मैम, अब तक क्या इससे पूछताछ में सामने आया और कोई भी इसके सामने इसके साथी है? अभी जांच जा रही है, अभी बहुत जल्दी है इस मामले में कोई भी टिप्पणी देना। अब पकड़ा गया आरोपी कहाँ का रहने वाला और किस तरह से यहाँ वारदात? अभी ये आजाद नगर एरिया के अंदर के रह पे रह रहा है और मूल निवासी अपने आप को नागौर का बता रहे हैं, वहाँ पर जिसकी तफ्तीश की जाएगी।